निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल, जिन्होंने चुनाव से पूर्व यहां से उम्मीदवारी का आवेदन दाखिल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर इस क्षेत्र के 27 वर्षों से कांग्रेस के विधायक रहे गोपाल दास अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित करवा दिया गया। इसके बावजूद विनोद अग्रवाल ने बतौर भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और भारी मतों से सफलता भी हासिल कर ली। अब जबकि मुंबई में भाजपा व शिवसेना के बीच सरकार के गठन को लेकर जो रस्सी खींच जारी है, निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में लाने के सघन प्रयास किए जा रहे हैं, उसके चलते विनोद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री निवास वर्षा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कर लिखित तौर पर अपना समर्थन दे दिया और कहा, विधायक बनने के बाद एक जनता के सेवक के रूप में कार्य करने का उन्होंने फैसला किया है। शुरुआत से ही वे जनता के लिए समर्पित थे। गत 5 सालों से विविध माध्यमों से जनता की सेवा में लगे रहे। सत्ता उनका ध्येय नहीं है, किंतु क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराना है तो सत्ता में रहते हुए ही संभव है। राज्य में पुनः भाजपा समर्थित सरकार होगी। शासन की प्रत्येक योजना व निधि में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देने का आश्वासन फडणवीस ने दिया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य परिणय फुके व विनोद के भाई महेश अग्रवाल भी उपस्थित थे।